अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है डेटा फिल्टर के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब डेटा फिल्टर होते क्या है? जैसे कि फिल्टर के मायने क्या होते हैं, छानना, किसी चीज़ को अलग अलग करके फिल्टराइज कर देना। तो यहाँ पर जैसे ही डेटा में जाके आप क्लिक करेंगे ना फिल्टर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक दफ़ा जब डेटा हम डिज़ाइन कर लेते हैं शीट को और उसमें डेटा डाल देते हैं, तो ऑल टाइम हम उसको फिल्टर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। जब डेटा पे क्यूरीज लगानी होती है तो हम डेटा फिल्टर को यूज़ करते हैं। अब डेटा फिल्टर जैसे ही ऑन करेंगे तो जितने कॉलम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उन पे ये फिल्टर के साइन एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे तो अब आप इसको डेटा को कैसे फिल्टराइज कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन जनरेट करने होंगे और वो क्वेश्चन के आंसर ही डेटा आपको इन्फॉर्मेशन की सूरत में दे देगा। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर पहला फिल्टर आइटम के ऊपर है, तो यहाँ पे सारे आइटम्स के नाम आ रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके चेक हटाएंगे और यहाँ पर देखेंगे सारे आइटम्स के नाम आ रहे हैं, तो इसमें से किस आइटम का डेटा देखना चाह रहे हैं उस पर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे, तो उन आइटम्स के सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला फिल्टर आपने लगा लिया। अब सारा डेटा लाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा डेटा में जाएंगे और करेंगे क्लियर, तो सारा डेटा आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इस तरह मंथ्स के ऊपर फिल्टर लगाना, चेक हटा दें। अगर आप एक मंथ का डेटा देखना चाह रहे हैं और अगर आप उसके साथ दूसरे महीने का भी डेटा देखना चाह रहे हैं तो डबल चेक लगा दें, दोनों महीने का डेटा आपको फिल्टर करके दिखा देगा। ये तो हो गया सिंगल फिल्टर जो आप लगा सकते हैं। फिल्टर के ऊपर फिल्टर कैसे लगाएंगे, मतलब डबल क्यूरी कैसे करेंगे? अब देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिब्रान सेल्समैन ने जनवरी के महीने में कितनी सेल करी, तो पहला फिल्टर लगेगा हमारा जिब्रान सेलमैन के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक किया, चेक हटाया, जिब्रान सेलमैन, ओके कर दिया, ओके कर दिया। दूसरा फिल्टर लगेगा मंथ के ऊपर, तो आइदर उसने जनवरी में सेल की भी है कि नहीं की है, तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटाएंगे, चेक लगाएंगे जनवरी के ऊपर। तो ये हो गया फिल्टर ऑन फिल्टर, एक फिल्टर के ऊपर दूसरा फिल्टर। तो इसने दो आइटम सेल किए, शूज़ और बनाना, जिनकी एंट्री है 51 और 75 और इनका प्राइस है ये। तो देखें कितनी आसानी से आप फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगा के अपनी मर्जी का डेटा में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर ऑल करते हैं। अब आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेशन फिल्टर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन से मतलब यहाँ पे ये कि अगर हम नंबर फिल्टर पे जाएं तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें नंबर फिल्टर में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको आपने समझना है और यही कंडीशन अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे पढ़ेंगे। पर क्या फर्क होगा, यहाँ पे कमांड की सूरत में है, वहाँ कमांड आपको खुद बनानी पड़ेगी। देखिए, एक सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फर्क होता है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थ्रू हो रहा है काम, पर ये इसकी फर्निश्ड फाइनेस्ट कॉपी है, जिसपे क्लिक करते हैं तो बैकएंड पे कोड चलता है, आपको पता नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कोड आप खुद बनाना सीखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अमल ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है, ये डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला फिल्टर है इक्वल। अब क्योंकि नंबर फिल्टर में है तो इक्वल यानी कि कोई ऐसी वैल्यू डालें जो इसमें मौजूद हो, 5861, ओके किया, तो देखिए सिर्फ वही एंट्री ले आया। तो इससे एक सवाल का जवाब ये भी मिलता है हमें क्लियर करने पे, यहाँ पे क्लिक करके नंबर फिल्टर में, कि यहाँ पे हम करते हैं इक्वल 1000, अगर 1000 की एंट्री नहीं है तो हमें ये कोई जवाब नहीं देगा, तो हम समझ जाएंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा, इसमें एंट्री नहीं है। डज नॉट इक्वल ये काम करेगा अपोजिट इक्वल के, कैसे, 8648, मैंने जैसे लिख के ओके किया तो 8648 की एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज आपके सामने ये दिखा देगा। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ग्रेटर देन, और हम कह रहे हैं कि मुझे 7000 से अबव की एंट्रीज दिखाओ, तो सारी 7000 से अबव एंट्रीज आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएंगी, 7000 से ब्लो एंट्री कोई भी नहीं होगी, क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे लेस देन, तो लेस देन पे हम कह रहे हैं कि 5000 से लेस वाली वैल्यूज मुझे दिखाओ, ओके किया, तो 5000 से लेस कोई भी एंट्री नहीं है। अब डबल कंडीशन चेक में क्या होता है, यहाँ क्लिक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करके हमने लिखा 7500 और ग्रेटर, ओके कर दिया, तो 7500 और उससे आगे की एंट्रीज आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, 7500 भी और उससे आगे की एंट्रीज भी। फिर यहाँ से क्लिक किया नंबर फिल्टर्स में, गए लेस देन और इक्वल टू पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा 8000 और 8000 से लेस वाली एंट्रीज सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। इस तरीके से डबल आप तरीके से डेटा को कंडीशन में ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके दोबारा जाएंगे और क्लिक करेंगे बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब ये है 5000 और 6000 के दरमियान की वैल्यूज मुझे शो करो, तो 5 और 6000 के दरमियान का डेटा आपके सामने शो हो जाएगा, क्लियर किया। यहाँ से दोबारा से क्लिक किया नंबर फिल्टर्स पे, टॉप 10, अब टॉप 10 भी हो सकता है, टॉप 3 भी हो सकता है, टॉप 4 भी हो सकता है, टॉप 3 करके ओके करते हैं तो टॉप 3 हाइएस्ट वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, 4, 5, 6 पे भी कर सकते हैं। और इस तरह टॉप 10 में आप इसका रिवर्स गियर भी लगा सकते हैं, जिसमें आप टॉप की जगह बॉटम कर देंगे और बॉटम 3 वैल्यूज आप यहां से ओके करके ओके करेंगे तो यहां पे उसके नीचे वाली वैल्यूज आपके सामने नजर आने लग जाएंगी। तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करके अबव एवरेज और बिलो एवरेज, इसको जरा थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखें एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं एक्सेल के अंदर, तरीका क्या है। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, मैंगो और यहाँ पे मैंने लिखा बनाना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 10, 20 और 30।
और यहाँ पे मैंने इसका लिया टोटल। टोटल लेने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो होगी सम, सम करके एंटर करेंगे तो टोटल आ गया। अब इनका एवरेज नंबर कैसे निकालेंगे, एवरेज नंबर, एवरेज नंबर निकालने का तरीका ये होता है मैथमेटिक्स में कि तीनों का सम करो जो कि सम है 60, फिर पार्टिकल्स काउंट करो जो कि है 3, 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा होगा एवरेज नंबर। मतलब 20 अगर हम यहाँ पे देंगे, 20 यहाँ पे देंगे, 20 देंगे तो आंसर क्या आएगा 60, तो 20 इज द एवरेज नंबर। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे मालूम करेंगे, यहीं पर क्लिक करेंगे और एक फंक्शन है एवरेज के नाम से, और इन तीनों पार्टिकल्स को उसमें बताएंगे इनके वैल्यूज को, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे एंटर करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे 20 आंसर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा एवरेज नंबर। तो इस तरीके से आप एवरेज नंबर निकाल सकते हैं। अब आते हैं अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या होगा। अबव एवरेज मतलब जो आपका एवरेज नंबर है, और बिलो एवरेज यानी कि जो उसका उससे कम नंबर है वो आपको डिस्प्ले करे। अगर आपका एवरेज नंबर 20 है तो इन तीनों में से अबव एवरेज नंबर कौन सा है 30, और बिलो एवरेज नंबर कौन सा है 10। सही है, ये हमने फाइंड कर दिया। यही फिल्टर के जरिए हमें फाइंड करके फिल्टर बता देगा कैसे आ जाए इधर, किस तरह से फिल्टर पे जैसे कहेंगे अबव एवरेज, ये अबव एवरेज फिल्टर क्या करेगा, सारे नंबर लेगा, सबको सम करेगा, उनके काउंट करेगा, उससे उसको डिवाइड करेगा, एवरेज नंबर निकालेगा, एवरेज नंबर से जो अबव वैल्यूज होंगी वो सारा डेटा आपके सामने शो कर देगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बिलो एवरेज करेंगे तो फिर वही एवरेज नंबर के जो कम वाली वैल्यूज होंगी वो आपके सामने शो कर देगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो ये काम फिल्टर आपका आसान कर देगा, और वो मैंने आपको मैन्युअली करके बताया। फिर इसके बाद हमने यहाँ से किया क्लियर, डेटा में जाके हमने किया क्लियर। अब अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, अब यही फिल्टर्स में लॉजिकल ऑपरेशन आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ लिखा है RAM रैम और इंटर किया तो रैम की सारी एंट्रीज आएंगी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे क्लियर किया तो क्लियर करके फिल्टर को यहाँ से दोबारा से क्लिक किया और मैंने कहा यहाँ पे डज नॉट इक्वल, तो मैंने लिखा रैम, तो रैम को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज आएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने कहा बिगिन विद, बिगिन विद मतलब जितने भी एस से शुरू होते हैं ओके कर दो, तो एस से शुरू होने वाले तमाम प्रोडक्ट के नाम आपके सामने आ जाएंगे, वेरी गुड। और फिर अगला आएगा एंड विद, तो एंड विद ऑपरेशन में क्या होगा, जितने भी डी पे खत्म होते हैं उनके सबके रिजल्ट दे दो। क्या डी पे कोई भी नहीं खत्म हो रहा, कोई भी आइटम डी पे खत्म नहीं हो रहा, तो इसने हमें बता दिया, ठीक है। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटेंट्स, अब कंटेन और इक्वल में फर्क नोट कर लेना, कंटेन मैंने लिखा देखें जिसमें भी ए एन आ रहा है उसकी डिटेल लिया है। अगर मैं इक्वल में लिखता तो जो ए एन से प्रॉपर मैच होता तो उसका रिजल्ट आता, लेकिन मैंने चूंकि कंटेन में ए एन लिखा है तो इसका मतलब ए एन का फ्रेज जिसमें भी आएगा, ए एन मैंगो में आ गया, ए एन मैन में आ गया, वो सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने ले आएगा, बनाना भी ले आया, मैंगो भी ले आया। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंटेंट और इक्वल, सही है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ से कहेंगे क्लियर, और यहाँ पे क्लिक करके कंटेंट्स के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा कंटेंट के बाद डज नॉट कंटेंट। अब डज नॉट कंटेंट में अगर मैं ए एन लिखूंगा तो जिनमें ए एन आएगा उनकी एंट्रीज को छोड़ देगा, बाकी सारी एंट्रीज ले आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए नंबर फिल्टर्स। अब आते हैं नंबर फिल्टर्स के बाद टेक्स्ट फिल्टर भी होगा, नंबर फिल्टर भी होगा, एक फिल्टर रहेगा जिनको हम कहते हैं डेट फिल्टर। कौन से फिल्टर कहते हैं, डेट फिल्टर। डेट फिल्टर के लिए एक दूसरी शीट खोलते हैं, अगर उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ हुआ है तो उसको देखते हैं, जिसका नाम है लेजर। तो यहाँ से हम गए लेजर के ऊपर, और लेजर पे जाने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया। अब यहाँ पे डिफरेंट डेट्स थी, लेकिन इतनी भी डेट्स नहीं थी कि हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता, लेकिन मैं इसको करता हूँ, इनको यहाँ से डेट्स को कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे यहाँ से इस डेट को मैं ऐसे खींच के कंटिन्यू करता हूँ तो ये 2023, 24, 25 तक की डेट्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, डेट फिल्टर्स पे जब आप लॉजिकल लगा रहे होते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डेट पे जाते हैं और फिल्टर पे ऑपरेशन को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करेंगे वही लॉजिकल ऑपरेशन नजर आएंगे। देखें इक्वल किसी पर्टिकुलर डेट पे पहुंचने के लिए, इक्वल जैसे 19 डैश, अच्छा आप कैसे लिखनी है ये भी जरा समझना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखता हूँ 20/ सितंबर का महीना 9/2022, ओके करें, नहीं लाया, तो हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, उसी के ऊपर ये लेकर आएगा फिर। तो इक्वल 20-SEM 2022, ओके, सारी डेट्स लिया है, जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पहला। उसके बाद क्या है, अगले फिल्टर्स में देखें कह रहा है बिफोर, जो डेट लिखेंगे उससे पहले की डेट, जो डेट लिखेंगे उससे पहले की डेट, तो वही लिखते हैं 20-September-2022, 19 आ गई इससे पहले की डेट, सही। अच्छा उसके बाद क्या है, फिर आफ्टर, उसके बाद की डेट, बिटवीन, इसके दरमियान की डेट, हमने यहाँ पे लिखा
21 20 सितंबर 2023 से, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल सी, 24 सितंबर 2023 के दरमियान में, ओके कर देते हैं। ये देखिए 20 से 24 के दरमियान आपको डेटा ला के दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी इसके ऑपरेशन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे कर लेते हैं। टुमारो, आज की डेट से कल की डेट, टुडे आज की डेट, यस्टरडे जो कल की डेट थी, फॉर एग्जाम्पल आज डेट क्या है 4 जून, टुमारो 5 जून का दिखाएगा, यस्टरडे 3 जून का दिखाएगा, नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते की दिखाएगा, दिस वीक इस हफ्ते की डेट दिखाएगा, लास्ट वीक पिछले हफ्ते की डेट दिखाएगा, नेक्स्ट मंथ अगले महीने की दिखाएगा, दिस मंथ इस महीने की दिखाएगा, लास्ट मंथ पिछले महीने के सारी डेट्स ले आएगा, 1 से लेकर 30 तक की एंट्री, नेक्स्ट क्वार्टर अगले 3 महीनों की, दिस क्वार्टर इन 3 महीनों की, और लास्ट क्वार्टर आखिरी 3 महीने, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ईयर अगले साल की, दिस ईयर इस साल की, लास्ट ईयर, इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ डेट्स को मुख्तलिफ हिसाब से देख सकते हैं, क्वार्टर्स में जनवरी फरवरी मार्च के महीनों के हिसाब से देख सकते हैं, तो आपका डेटा आपके सामने ये डिस्प्ले करता रहेगा। तो ये है इसके अंदर फिल्टर, फिल्टर के साथ आप इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, सॉर्टिंग भी कर रहे होते हैं, हमने कल भी देखा था, फिर देख लें दोबारा। सॉर्टिंग कैसे होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक किया, सॉर्ट ए टू जेड, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारा डेटा आपको सॉर्ट कर देगा। सेम अगर आप यहाँ करेंगे शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो छोटी डेट से बड़ी डेट पे करेगा, और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे ओल्डेस्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो फिर आपको ये डेटा को ऐसे फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। तो वापस देख लें कि कैसे चाह रहे हैं, इसको सीरियल नंबर पे करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं, फिल्टर ऑफ कर दें। कलर फिल्टर्स भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आइटम पे आपने कलर फिल्टर लगाया हुआ है, जैसे कि ये फिल्टर आपने येलो लगाया हुआ है, इसको एक रेड फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब आपने ऐसे कर रखा है कि भाई ये कुछ एंट्रीज हैं जो वापस भेजनी है, और ये जो कुछ एंट्रीज हैं ये रिप्लेस कराने आइटम आप करते जा रहे हैं। बाद में कभी भी फिल्टर के ऊपर आपको बाय कलर्स वो ऑपरेशन चाहिए, तो जहां जहां कलर्स लगाए थे वहां क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर्स भी ऑन हो जाएगा, और यहां से इस फिल्टर को भी एक्टिवेट कर सकेंगे, ठीक है। और ऑल रिजल्ट के लिए ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये होता है डेटा फिल्टर, जिसके जरिए आप डेटा को मुख्तलिफ तरीके से एंट्री करने के बाद रिजल्ट ले सकते हैं, सही है?